पानी दिया और उसने मेरे को एक फ्रूट दे दिया। नीली आंख वाला लड़का तिल और हेलो गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी, आई होप आप सब अच्छे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और गाइस थंबनेल और टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज ब्लॉग में क्या होने वाला है, बिकॉज मुझे तो अभी पता नहीं है, बिकॉज दिन बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और सुबह सुबह किचन में काम चल रहा है। और गाइस क्या बोल रही थी मैं, हाँ और बने रहना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी, ठीक है? और फिर पूरा ब्लॉग देखो, नहीं तो आप पूरा ब्लॉग देखने के बाद सब्सक्राइब करना अगर आपको ये पसंद आए तो, और पूरा ब्लॉग जरूर देखना। ओके गाइस तो देख लो, ये देखो गाइस गुरु चेला का पाउच पड़ा हुआ है यहाँ, इस तरफ देखो ऐसे दिख रहा है ना गुरु। अब ये देखो, देखा दोनों साइड पे बना है गुरु चेला कितना फनी है ना। पार्क में बैठ के पढ़ रही थी मैं, मुझे एकदम ये पाउच मिला, मेरे को गुरु चेला ऐसे पड़ा था। गधा देखा आपने कभी? ये रहा डॉगी। गाइस देखिए शाम के बज रहे 5 और स्कूल के लॉक लगा हुआ। स्कूल चलो घर चलो अभी टाइम। बच्चों को कितनी खुशी होती है ना स्कूल पे लॉक देख के, है ना? कमेंट बताओ कौन कौन बच्चे जो स्कूल में जाते हैं और उनको वो स्कूल में आए और स्कूल में आते ही देखे लोग, वाओ। और उनका टेस्ट था सर, ये कितना अच्छा थॉट, ये अच्छा थॉट। और मैं अभी बातें कुछ और ही कर रही थी। बच्चे सुबह सुबह स्कूल में आए, उनका टेस्ट था और उनकी तैयारी नहीं थी, फिर उन्होंने देखा स्कूल पे लोग, वाओ कितनी खुशी होती है ये देख के। और गाइज एक बार तो मैं ना स्कूल में आई थी और अपना बैग लाना भूल गई, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में बता देना। और मेरे साथ हुआ है, मैं भूल गई थी स्कूल में, कोई कैसे भूल सकता है, बैग कैसे भूल सकता है गाइज। अभी भी मेरे पास बैग नहीं, आरती ने उतार रखा है, बिकॉज लाइब्रेरी में जाते हैं वही बुक्स पड़ी रहती है बस, बैग में तो खाने पीने का सामान लेके आते हैं, तो चार्जिंग वगैरह बस वही। ड्रैगन फ्रूट खत्म भी हो गए थोड़े ने। और मैं इसको पानी दे दूंगी, ये पुराना हो गया सूख गया, ये तोड़ लू क्या कांटे कांटे कागज से ले लिया, इसको तोड़ेंगे। एक्चुअली थोड़ा पुराना हो गया, फाइनली तोड़ लिया गाइस, घर जाके इसको काटेंगे और खाएंगे। ये छिलका छिलका ही बचेगा, खाएंगे क्या? तभी अभी मैंने सोचा, देखो मैंने उस पौधे को अभी जस्ट पानी दिया और उसने मेरे को एक फ्रूट दे दिया, है ना? कितनी अच्छी बात है ना, अगर हम किसी को कुछ देते हैं ना तो बदले में वो जरूर हमें कुछ ना कुछ जरूर देता है। और अभी मैं उल्टी चल रही थी तो मेरे जूते में अभी भी गोबर लग जाता, गोबर दे देती है सड़क मेरे को। ये देखिए गाइस हमारे यहाँ पहाड़ जनरेट हो चुके हैं इधर रास्ते में, लकड़ियों के पहाड़ और इधर कूड़े का छी छी। गाइस कितना गंदा है, हमारे गांव में जो काम करवाने वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं है सरपंच वगैरह जो कि यहाँ की सफाई करते। देखिए थोड़े दिन में उधर देखो व्यू कितना अच्छा है और इधर, और ये देखो थोड़े, ये देखो बीच में आ ही गया है कूड़ा, अभी बैक दिखाई यार तो पीछे ही दिखा। अब देखो ये सड़क भी गायब हो जाएगी थोड़े दिन में, ये पूरा कचरे की जगह बन जाएगी। सो गाइस कमेंट में हमारे सरपंच को बोलो कि ये सफाई करवाए, ठीक है? सरपंच तक पहुंचा दो इस वीडियो को। उधर से गाइस देखिए यहाँ से हम और उधर से मेरा भाई भी आ गया, अंदर कोई खेल आते हैं। सो गाइस घर आते हैं, मुझे मेहमान।
परी आई हमारे घर। अरे क्या देखो ये आता है गुड़िया जैसी आंखें है, ब्लू कलर की आई है गाइस इसकी। रो रहा है अकेला अटका है बिल्ली। देखो गाइस ब्राउन आईज, इधर देखो ग्रीन आईज और इधर देखो ब्लू आईज। हिप्नोटाइज मैंने कर दिया मैंने। फिलहाल हमारे घर में सारी आईज है गाइस है ना। और इसको देखो बस कोई परवाह नहीं है, कुरकुरे खा रहा है या ठूस रहा है या खा रहा है या ठूस रहा है। इसने फेंक दिए। वेशु नहीं लक्ष्मी, नहीं लक्ष्मी। ये तो भारतीय में तहसील। तो तेरी बुआ में मिलता है रे सेब। इस लड़की की आंखें नीली नीली आंखें वाला लड़की। ये कह रहा है ये इस बच्चे को टॉफी दे दो। ये टॉफी नहीं खाता, ये तो सिर्फ दूध पीता है। दूध पीता है ये दूध। ये कितना प्यारा नीलांश बोल रहा है, इस बच्चे को टॉफी दे दो, ये रो रहा है। तो निरांशु बड़ा हो गया, इससे भी छोटा बेबी आ गया। तेरे से भी छोटा बेबी है ना। कितना बेबी है, कितना सा है बेबी? बेबी कितना है, छोटा है? बड़ा है वो छो। बेबी कितना छोटा है? बड़ा है। गाइस गाना के लिए बनी है तिल की बर्फी। कान खा लो। सो गाइस देखिए मटर मशरूम की सब्जी बन रही है अभी। और ये देखो ये मेरी बहन ने बनाई है, तिल और गुड़ की होती है ना वो बर्फी और लड्डू। और ये मैंने अभी कानू को खिला दिया। और ये रहा अपना ड्रैगन फ्रूट कैक्टस वाला। इसको ऐसे ये चिमटा होता ना, हमारे यहाँ चिमटा बोलते हैं रोटी बनाते हैं, बिकॉज इसके ऊपर ये छोटे छोटे कांटे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। वाओ लजीज लग रहा है, चुकंदर टाइप। साइड में तो ऐसे लग रहा है जब ब्लड पड़ा। इसने कैसे निकाला था, मैंने एक हेक देखा था इस। उसने ना उसी में निकाला था, ये लगा पेट पे लगा, आस पास से काट दिया, फिर बीच से खा लिया। उसने बिना तोड़े काटा था एक मीडियम में। अंदर से तो खाली से ऐसे ही खा के देख लेते हैं इसको, है ना। मेरा तो मन नहीं कर रहा है इसको खाने का। बीत भी है ये घर लगाएगी। ये देखो बीज है ये छोटे छोटे इसमें, और ज्यादा मीठा नहीं है बिकॉज मैंने वो चक्की खा ली थी। वैसे कोई टेस्ट नहीं है इसका, कोई अच्छा टेस्ट नहीं है, ऐसे ही नॉर्मल सा। पर यूं बोलते बहुत अच्छा था, पौष्टिक होता है। हाँ। न्यूट्रिशन देता। और खा के देखोगे, मैंने मीठा खा लिया। फिक्की कीवी है जैसे। इतने सारे बीज, बीज ही बीज है इसके अंदर इतने सारे।
मुझे कुछ ये पुराना हो चुका है, ऐसे लग रहा है कोई जानवर मर गया। ठीक हिंदी बात है, ऐसे नहीं बोलते खाने का। ओके गाइस तो छोड़ते हैं, अभी मैं नहीं खाने वाली और सबको टेस्ट करा। सो आई होप यू गाइस आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, यहाँ तक आए हो, सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके बाय, जल्दी मिलूंगा एक नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग, बाय।